कर्नाटक में कांग्रेस सरकार अपने हर वादे को पूरा कर जनता के हित में काम कर रही है। कर्नाटक सरकार ने जनता से जो भी वादे किए वो सब एक एक कर पूरे हो रहे हैं। इन्हीं वादों में से एक वादा था गृह लक्ष्मी योजना। इस योजना में हर परिवार की महिला मुखिया को राज्य सरकार 2000 रुपए देगी। ये पैसे सीधे उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सिद्धारमैया सरकार ने माता बहनों के लिए ये योजना लॉन्च कर दी है। इसके साथ ही कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने महिलाओं के खाते में एक क्लिक से करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। इस वित्तीय सहायता से कर्नाटक की महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होंगी, सशक्त होंगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी DBT स्कीम है। इसका लाभ राज्य के 1,35,00,000 परिवारों को मिलेगा। अब मोदी सरकार में आसमान छूती महंगाई पर ये कांग्रेस का सबसे बड़ा वार है। अब आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। इस महंगाई से गरीब की थाली से खाना ही गायब हो गया है। ऐसे में गृह लक्ष्मी योजना से जनता को बहुत राहत मिलेगी। इस योजना में सरकार इस साल 18,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अगले साल इस योजना पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। मोदी जी को कांग्रेस की सरकारों से सीख लेनी चाहिए और जनता को महंगाई से राहत देनी चाहिए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता से जो भी वादे किए वो सब पूरे हो रहे हैं, क्योंकि कर्नाटक सरकार लगातार जनता के लिए काम करने के लिए तत्पर है। कांग्रेस का मात्र एक ही लक्ष्य है, जन जन का विकास, घर घर का विकास।